नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल समेत 9 के खिलाफ फ्रेश FIR दर्ज की है। उधर यती नरसिंहानंद, जो कि अपने तीखे बोल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि नूपुर शर्मा को परेशान किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि 17 जून को जुम्मे की नमाज के बाद वो शास्त्र लेकर के, यानी कि कुरान और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बुक्स लेकर के अकेले जामा मस्जिद पे जाएंगे और ये बताएंगे कि जो भी बोला है वो फैक्ट्स के हवाले से बोला है, आप हमें बताओ, शास्त्रार्थ करेंगे। लेकिन इसको लेकर के गाजियाबाद प्रशासन ने उन्हें नोटिस सर्व कर दिया है कि आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो हो जाएगी ये कार्रवाई। उसके बाद भड़के यति नरसिंहानंद, महामंडलेश्वर भी हैं, दासना देवी मंदिर के महंत है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मेरे हाथ में ये एक नोटिस है, ये सरकार ने भेजा है मुझे। इस पर SO मसूरी और उप जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, उप जिलाधिकारी गाजियाबाद के दस्तखत है। इस नोटिस में लिखा गया है कि जो मैं 17 जून को अकेला निहत्ता केवल किताबों को लेकर जामा मस्जिद में जा रहा हूं, उससे दो वर्गों में वैमनस्य हो सकता है। इतनी धमकियां मुझे आज तक मारने की मिल रही हैं, उससे समाज में वैमनस्यता नहीं बढ़ती। मैं प्रशासन से और प्रशासन के जो मालिक हैं, राजनीतिक नेता जो प्रदेश और देश को चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके कामों से मुसलमान जो इतनी धमकी मुझे मारने की दे रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? जो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूपुर शर्मा को मारने के लिए कह रहे हैं, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ती? हमारे कमलेश तिवारी जी मार दिए गए, उससे वैमनस्यता नहीं बढ़ी? जब हम कहते हैं कि तुम्हारी किताबों में कुछ गलत लिखा हुआ, तो उससे वैमनस्यता बढ़ती है? मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं अकेला जा रहा हूं, अकेला निहत्ता केवल किताब और कंप्यूटर लेकर। आप ये मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को कुचल नहीं सकते, केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों जिहादियों को खुश करने के लिए, केवल कट्टरपंथियों और जिहादियों को खुश करने के लिए आप कुचलना चाहते हैं मेरी भावनाओं को, मेरे लोकतांत्रिक अधिकार को तो कुचल दीजिए। अभी आपने रखा है ना मुझे 1 महीना 2 दिन जेल में हरिद्वार की, मैं अब रखिए, मैं जेल जाने के लिए और मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं, सरकार के इस कदम का घोर विरोध करता हूं। सरकार ये अन्याय और अत्याचार कर रही है हिंदू समाज पर और हम हिंदुओं पर। सरकार ये ना सोचे, सत्ताएं कभी किसी की नहीं रहती, सत्ताएं एक दिन आपकी भी चली जाएंगी, लेकिन जो धर्म के साथ आप विश्वासघात करेंगे, धर्म आपको क्षमा नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को नहीं छीन सकते, वो जो मर्जी आए वो करेंगे और हम अपनी बात तक नहीं रख सकते। मैं अकेले जा रहा हूँ, शास्त्र लेकर के जा रहा हूँ, उन्हीं की धार्मिक पुस्तकें और कुरान और वीडियो क्लिपिंग्स और लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, उनसे शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ, जितने भी मुल्ला मौलवी जुटेंगे उनसे बातें करूँगा, तो इसमें क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? लेकिन गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जो उन्हें नोटिस सर्व किया है, उसमें ये कहा है कि आपके वहाँ जाने से जो है शांति भंग हो सकती है, लिहाजा आप अपना कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए। लेकिन नरसिंहानंद स्थगित करने को तैयार नहीं है, तो अब देखिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।